अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। बाइनेंस के अंदर लॉन्च पैड, न्यू लॉन्च पैड आया है, तो आइए ज़रा इसको चेकआउट करते हैं कि इसके अंदर क्या प्रोसीजर है और ये कैसे वर्क करता है। तो सिंपल, अब बाइनेंस के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये लॉन्च पैड जो है मैंने अपने पास स्टार्टअप में ही रखा हुआ है, बट आप सिंपल जो है मोर के ऊपर जाके आप कर सकते हैं। सिंपल आप मोर पे गए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं लॉन्च पैड LAUNCH, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इसको आप ओपन कर लें तो एक नया टोकन है जो लिस्ट होने जा रहा है, अरकम, ठीक है। अरकम जो है वो न्यू टोकन है जो लिस्ट होने जा रहा है बाइनेंस के ऊपर। ये एक AI टोकन है, इसे पढ़ भी सकते हैं आप। अरकम इज़ एन इंटेल टू अर्न टोकन पावरिंग द डी एनोनिमाइजेशन ऑफ द ब्लॉकचेन विद AI, ठीक है। तो ये AI का एक टोकन है जो कि डायरेक्ट जो है बाइनेंस के ऊपर लिस्ट होने वाला है, तो इसका लॉन्च पूल है। तो सिंपल इसके ऊपर व्यू मोर के ऊपर क्लिक करते हैं। तो इसके अंदर आप क्या कर, आप इस लॉन्च पैड है क्या, लॉन्च पैड के अंदर आप फिलहाल करते क्या हैं, आपके पास जो है फिलहाल लॉन्च पैड जो लॉन्च पूल, दो अलग अलग चीज़ें हैं। लॉन्च पैड जो है वो सिंपल आपको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। लॉन्च पैड जो है वो सिंपल वो टोकन होता है जो डायरेक्ट बाइनेंस के ऊपर और बाइनेंस से ही BNB से लिंक होता है, ठीक है। तो नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देख सकते हैं कि मेरा KYC जो वेरीफाई है, ठीक है। सिंपल जो है अब आप यहाँ के इसके ऊपर स्टेकिंग पे लगाएंगे। मिसाल के तौर पे आपके पास 100 USDT हैं, 200 USDT हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपके पास 100+ USDT हैं तो आप इसके अंदर स्टेकिंग पे लगाएं, ताकि जो है वो आपको मैक्स $15 to $20 का प्रॉफिट हो, ठीक है। तो आप सिंपल जो है अपने $100 जो है यहाँ पे स्टेक के ऊपर लगा देंगे इनके पास, ठीक है। आपके पास BNB होगा तो आप यहाँ से आप होल्ड पे लगा देंगे। होल्ड पे लगाएंगे तो क्या है, डेली जो है अभी तकरीबन 5 दिन रह गए हैं इसको लिस्ट होने में, 5 दिन 8 घंटे और 56 मिनट्स, ठीक है। तो आपने जो है सिंपल इसके ऊपर जो है बाइनेंस अपने BNB स्टेक कर देने हैं। BNB के बदले जो है आपका जो ये कहते हैं अरकम टोकन है वो आपको माइन होके वो मिलेंगे। जैसे माइनिंग होती है वैसे ही लॉन्च पैड के ऊपर हम लोग वर्क कर रहे होते हैं। तो आपके जो जितना भी एसेट होता है वो उसमें से कोई भी माइनस वगैरह नहीं होगा, जब आप चाहें उस टाइम पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस रखने से ये होगा कि इसकी मार्केटिंग होगी इस कॉइन की, और आपको कॉइन जो है वो क्या कहते हैं मिलेगा। तो सिंपल जो है अब आपके पास अगर टोकन आ जाता है, बिलफर्ज आपने स्टेक पे लगाया, 5 दिन बाद जो है आपके पास टोकन आ जाते हैं, तो सिंपल आप होम पे जाएंगे, इसको आप क्रॉप कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल आप चले जाएंगे बैक, ठीक है। तो अब आपने करना है क्या, आपने सेल करना है। जब आपके पास वहाँ से आप क्लेम करेंगे तो आपके पास स्पॉट वॉलेट में आ जाएंगे, तो सिंपल यहाँ पे आपके स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप सिंपल यहाँ ट्रेड पे जाएंगे, ट्रेड पे जाने के बाद यहाँ पे अरकम USDT या जो है ना BNB को जो है वो आप चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं लिस्ट हुआ क्योंकि 5 दिन बाद वो लिस्ट होगा। तो यहाँ से सिंपल जैसे कि अब मिसाल के तौर पे अब ये अरकम है तो आपने सिंपल इस पर क्लिक किया, सेल पे गए, और जो भी मार्केट प्राइस होगी उसके ऊपर कर देना आपने। यहाँ सिंपल लिमिट से हटा के इसको मार्केट कर देना है, मार्केट से 100% उसका एसेट करके आपने सेल कर देना है। तो इससे ये है कि कुछ बेनिफिट जो है ये आपको लॉन्च पैड से, बाइनेंस लॉन्च पैड से मिलेगा। बट मैं रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आपके पास 100 USDT हैं, 100+ USDT हैं, तो आप उसको बाइनेंस के अंदर कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करने के बाद जो है उसके अंदर स्टेकिंग पे लगा दें। तो इससे ये है कि कुछ बेनिफिट जो है वो आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।